एबल टू लिसन टू मी? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा अगर मेरी आवाज आ रही है, इफ आई एम लाइव टू यू एंड इफ पीपल आर ऑडिबल. तो स्टूडेंट्स प्लीज चेक इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास. ओके सर, ओके ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास. Yes, sir. What I can see that yes, I am live and you people are able to listen to me. Okay, students. Nice, nice. Okay. Now I am बिल्कुल live. सब कुछ यहाँ पे clear आ रहा है. And it's going to be a awesome class as usual. थोड़ा सा late हो जाता है यार. Actually plus के भी classes रहते हैं. तो just plus के class खत्म करके मुझे बस यहाँ पे continue करना पड़ता है. तो no issues. But as usual, you are going to enjoy. You are going to enjoy the session and आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इस चैप्टर को शायद आपने कवर नहीं किया. यस, मैंने भी चेक किया, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर था ये अभी भी छूटा हुआ था. तो स्टूडेंट पहले हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं आज, और इसके बाद स्टूडेंट हमारा एक और चैप्टर 12 का छूटा हुआ है और वो है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन. तो प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को हम लोग कल ले लेंगे. आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. इस तरह से हम लोग का पूरा जो क्लास 12 है उसका हम लोगों ने वन राउंड ऑफ रिवीजन कर लिया. उसके बाद स्टूडेंट वी विल बी फॉलोइंग द सेशन फॉर द क्लास 11. और एक बार ये 11 खत्म हो जाएगा तो फिर ये 11 12 11 12 ये हर रोज चलता रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देर आर नियर अबाउट 56 पीपल हु आर वॉचिंग अस लाइव. तो चलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल रेडी हो जाइए. आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो गया था आप लोग का, रियली सॉरी फॉर दैट. होप आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा. स्टूडेंट सर थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट करते हैं लेकिन जब आते हैं तो आग लगा देते हैं. एंड स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हेयर. चलिए चलिए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. फिर बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बीच में हम लोग बातें करेंगे. ठीक है, ओके. तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स. कम ऑन गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड में हमेशा लेके आता हूं जैसा कि मैं आपको बताता हूं. एंड स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. ओके ओके, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स. देयर आर सो मेनी पीपल. खुशी जैन, अभिनंदन, नॉलेज जनरेटर, तृप्ति कुमारी, अरविंद सिंह, अभय राज. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. LAB के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए, जैसा कि मैं बोलता हूं लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, बहुत सारे लोग, नाउ 67 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव, दैट्स अ ग्रेट न्यूज. ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड. नाउ लेट्स मी जस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. लगभग सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, दैट इज द ग्रेट थिंग. नाउ द LAB हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन. यस सर, एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है कि जो ये LAB है ये मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है और उसे कोगुलेट करता है. याद रखिए जो भी पार्शियल डाइजेशन होता है उसे हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. याद रखिए स्टूडेंट, इनोकुलम फॉर कर्डलिंग ऑफ द मिल्क. यस सर, हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को जब भी कर्ड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पहले कर्ड मिला देते हैं. और ये जो कर्ड आप मिलाते हो इसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है? यू हैव गॉट द LAB, तो दिस इज गोइंग टू काउज द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क. तो ये भी सही स्टेटमेंट है. द थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीजेस विटामिन सी कंटेंट. नो सर, दिस इंक्रीजेस विच विटामिन? दिस इंक्रीजेस विटामिन B12. याद देखिए, दिस इंक्रीजेस विटामिन B12, तो इसका आंसर विटामिन सी नहीं होगा. हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारा ह्यूमन का मिल्क होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन मिल्क इज डेफिशियंट. ह्यूमन मिल्क इज डेफिशियंट. दो चीजों में ह्यूमन मिल्क डेफिशियंट होता है और वो क्या होते हैं, एक होता है विटामिन B12 और दूसरा, सॉरी नॉट विटामिन B12, रियली सॉरी, एक होता है विटामिन सी और दूसरा होता है आयरन.
इन दो चीजों में ह्यूमन मिल्क डेफिशिएंट होता है, एक होता है विटामिन सी और दूसरा होता है आयरन, इन दोनों चीजों में ह्यूमन का मिल्क डेफिशिएंट होता है। एंड ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हम लोग के स्टोमक में दूसरे डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर नंबर थ्री, यहां पे जो ऑप्शन होगा वो तीन नंबर होगा, ये यहां पे गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, सारे लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है एंड सारे लोगों को समझ में आया है कि यहां पे सब कुछ सारे लोगों को यहां पे समझ में आया है। ओके, तो कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है, बट इतने सारे नाम है ना यार, इतने सारे नाम है। चलिए सबसे पहले डॉक्टर ट्रिलनर, यार यहां पे मिलियनर सुना था, बिलियनर सुना था, ये तो ट्रिलनर हो गया। ईशानी जैसू, तृप्ति कुमारी, श्रुति कुमार, दीपक, ब्यूटी मिश्रा, प्रिया मित्तल, खुशी जैन, राजेंद्र यादव, मधु किरण, अभय राज, शुभम त्रिपाठी, तस्मिना, और भी लोगों का नाम लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स चलिए कम ऑन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स चलिए कम ऑन, इस क्वेश्चन का अब आंसर आपको बताना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द एंटीबायोटिक्स, विथ रेस्पेक्ट टू द एंटीबायोटिक्स आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए स्टूडेंट्स कम ऑन स्टूडेंट्स, हाय आई एम सौमिक दत्ता, ओके थैंक यू सौमिक दत्ता, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो स्टूडेंट, जल्दी से हमको इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके स्टूडेंट्स, यस सर। तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक सही आंसर दे दिया है। नाउ 81 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव, वेरी गुड स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और सारे लोगों का आंसर भी यहां पे आ रहा है। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैन किल और डिस्ट्रॉय नंबर ऑफ पैथोजन। याद रखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार सकते हैं। याद रखिए, एक दूसरा एंटीबायोटिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं वो लोग लिमिटेड पैथोजन को ही मार सकते हैं, बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, पेनिसिलिन वॉज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड वार वन टू ट्रीट द सोल्जर्स। अरे यार, वर्ल्ड वार वन कब हुआ था, तो वर्ल्ड वार वन टुक प्लेस इन आई थिंक 1914 टू 1918। इस समय तो पेनिसिलिन आया ही नहीं था, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर दो होने वाला है, फिर भी और पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम द फंगल सोर्स। बिल्कुल सही बोला है, फंगल सोर्स क्या था, द फंगल सोर्स वॉज पेनिसिलियम नोटैटम। पूरा तुमको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट, द वैक्समैन डिस्कवर्ड हिज फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम अ बैक्टीरियल सोर्स। अब पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा टर्म एंटीबायोटिक है, सबसे पहला चीज, ये जो तुम्हारा टर्म एंटीबायोटिक है ये किसने दिया था, तो दिस टर्म वॉज गिवन बाई वैक्समैन। याद देखिए, वैक्समैन ने ही ये नाम दिया था एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये नाम नहीं दिया था। एंड स्टूडेंट यू शुड नो कि वैक्समैन का जो पहला बैक्टीरिया, पहला एंटीबायोटिक था, दैट वॉज योर स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि इसने एक बैक्टीरिया से डेराइव किया था, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए, सारे चीज समझ के रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, यस सर, ओके, नाउ वी हैव 84 पीपल। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इतना प्यार करते हो यार, तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, तो कम ऑन, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन हेयर। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा तुम्हारे लिए तीसरा क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज हेयर,
कम ऑन स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट, कम ऑन स्टूडेंट्स, ओके, बहुत लोगों का नाम नहीं लिया था, जिनका भी नाम मैंने नहीं लिया था, चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा देख लेते हैं किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, ओके ओके, लेट मी जस्ट गो थ्रू, देयर सो मेनी पीपल, कितने लोगों का नाम ले, फिर भी चलो कुछ तो नाम लेना ही पड़ेगा सर, ओके, अभिनंदन, आलोक राज, कुमार दीपक साहू, श्रुति प्रिया, राहुल सोनार्थी, अभय राज, क्रेजी कैट लेडी, तस्मीना, शुभम, अभिनंदन, गोनू गुप्ता, रोशनी बर्नवाल, अभिनव, ओके, यादव, खुशी जैन, तृप्ति कुमारी, कृष्णा, और भी लोगों का नाम लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख ले, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख ले स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट अगर आप साइट्रिक एसिड पे ध्यान दे, अगर आप साइट्रिक एसिड पे ध्यान दे तो ये कहां से आता है, तो दिस कम्स फ्रॉम द एस्परजिलस नाइजर, और यार ये क्या है, ये एक फंगस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, रॉकफोर्ड सीज आपके किताब में क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस ऑल्सो इज डेराइव्ड फ्रॉम द फंगस, अभी अभी मैंने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ाया कि दैट वॉज पेनिसिलियम नोटेटम, वो भी क्या था, वो भी था एक फंगस, तब तो एक ही बचा यार, एंड दैट इज योर स्विस चीज, यस सर, जो ये स्विस चीज है यहां पर एक बैक्टीरियम का रोल है, एंड दैट इज योर प्रोपियोनी बैक्टीरियम, दैट इज योर प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमैनी, तो ये नाम तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो डू रिमेंबर कि इसमें से कौन सा बैक्टीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, तो आंसर इज गोइंग टू बी वन नंबर, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैं लेके आता हूं, एंड स्टूडेंट थोड़ा सा देख ले कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया, तो इस बार कुछ लोगों ने गलती किया है, इस बार नो डाउट बहुत सारे लोगों ने गलती भी किया है, फिर भी देख लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपना मैसेज हटा लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना मैसेज भी हटा लिया, ओके कोई बात नहीं है, वी हैव गॉट द नरेंद्र कुमार, एंड देन वी हैव गॉट हियर द श्रुति प्रिया, स्वाति मिश्रा, अभिषेक कुमार, संगीता मिश्रा, ओके, एंड डॉक्टर रतन कुमार, ओके, डॉक्टर रतन कुमार का गलत आंसर है, ओके ओके नाइस, एंड देन अभय राज इज देयर, और भी लोगों का नाम लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर जो पहले बोला है प्लीज उसका नाम पहले लो, एक्चुअली जो कमेंट सेक्शन है ना वो थोड़ा सा उतना क्लियर हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत फास्ट मूव करता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा पहले और दूसरे वाला का प्रॉब्लम है, सबका नाम लेंगे, ठीक है सबका नाम नहीं लेंगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका नाम धीरे धीरे हम लोग लेते जाएंगे, और अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया और आपको लगता है कि भाई सर को मेरा भी नाम लेना चाहिए, तो एक बार बस मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर मेरा भी, आई विल श्योरली टेक योर नेम, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ओके यहां पे आया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब लगाइए फिर से आग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइंस हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइंस हैं, कुछ भी यहां पर मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लाए हैं, कम ऑन स्टूडेंट, हाय हाय हीरा नाज, ओके हीरा नाज, अंसारी सौद, मेघा वार्ष्णेय, चिन्मय पंचल, ओके साहित्य आनंद, ओके साहित्य आनंद, गुड गुड गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, दिस इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर तुम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस, अगर नहीं पढ़ते हो यार तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी टफ, चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, हेलो सर, ओके हाय साहिदा खातून, तृप्ति कुमारी, ओके वेरी गुड, पूरा कमेंट सेक्शन सही आंसर से भर चुका है, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि जो एंटी है, याद देखिए स्टूडेंट, ये जो एंटी है दैट इज द अगेंस्ट द लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ किसके अगेंस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो अगेंस्ट द लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो दे एक्ट अगेंस्ट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल और बिल्कुल सही है,
Next statement is your pro-life. Next statement is your pro-life in reference to the source of the antibiotic. तो स्टूडेंट नो सर, ये जो प्रो लाइफ है ना यार, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ. तो किसके लाइफ को ये प्रोटेक्ट कर रहा है? तो दिस इज प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस. तो याद रखिए स्टूडेंट, ये ह्यूमन लाइफ के कंपैरिजन में हम लोग यहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? वी आर यूजिंग द प्रो लाइफ. नाउ आखिर एंटीबायोटिक्स को कहां से डिराइव करते हो? तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स. याद देखिए, माइक्रोब्स से आते हैं और माइक्रोब्स को ही मारते हैं. तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाई द एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन आंसर नंबर टू, ये स्टेटमेंट गलत है. तो सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. ओके सर, प्लीज लीडर बोर्ड बना दो मेंटी पर. ओके ओके, अभिनंदन. बहुत जल्दी हम लोग इस पे भी काम करेंगे. ऐसे हमारा जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, वहां तो मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूं, तो वहां पर तो यार हमारे पास पहले से ही लीडर बोर्ड है, हमें मेंटी की क्या जरूरत है. ठीक है, मेंटी तो वो लोग यूज करेंगे जिनके पास ये सिस्टम नहीं है. हमारे पास तो ऑलरेडी दिस सिस्टम इज अवेलेबल. ओके, और डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूं, जिस वेबसाइट में आप लोग सब कोई हर रोज फ्री टेस्ट दे पाएंगे विदाउट पेइंग एनी पैसा. यू विल बी एबल टू गिव द फ्री टेस्ट. बहुत जल्दी 10 दिनों के अंदर में वो वेबसाइट मैं लॉन्च कर दूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, हर रोज 10-10 क्वेश्चंस मैं वहां पे अपलोड करता रहूंगा. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं. अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं. ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलिए अब यहां पर यार आग लगाइए, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स आग लगाइए. कम ऑन, राहुल सोनार्थी. ओके, हाँ, थैंक यू सो मच सर. ओके राहुल, बहुत अच्छी है अनअकैडमी. यस सर, अनअकैडमी इज डूइंग अ परफेक्ट जॉब. मतलब इतने अच्छे अच्छे टीचर सब अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं कि यार तुम्हें कोटा जाने की क्या जरूरत, पूरा कोटा अनअकैडमी पे आ गया है. तुम्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की क्या जरूरत, सारे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं यार, और एट द मिनिमम कॉस्ट. और क्या चाहिए आपको, ये चीज कोई नहीं कर सकता है. इतने कम पैसे में, इतने कम फीस में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं. मतलब दैट इज अ ऑसम फीचर ऑफ अनअकैडमी, और इसीलिए मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं. चलिए स्टूडेंट, चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कम ऑन. यस सर. तो स्टूडेंट्स फाइंड द इनकरेक्ट मैच. यहां पर नॉट इनकरेक्ट, यार आज इतना इनकरेक्ट बोला कि ये करेक्ट मैच. आज यहां पे अब ये क्वेश्चन है, करेक्ट मैच खोजना है. तो अभी के अभी तो मैं पढ़ा रहा था कि एज पर जिलस नाइजर क्या है, ये एक फंगस है, ये एक फंगस है. तब यार मोनेरा में कहां से आएगा, ये गलत हो गया. और एस्परजिलस नाइजर से लैक्टिक एसिड नहीं आता है, क्या आता है, तो इससे आता है साइट्रिक एसिड. अभी के अभी तो पढ़ाया था इसे मैंने. देन वी हैव क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम. देन वी हैव गॉट क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम. स्टूडेंट ये क्या है, अरे यार फिर से गलत. दिस इज अ बैक्टीरिया. और यहां से एसिटिक एसिड, अरे यार कितना झूठ बोलोगे, यहां से एसिटिक एसिड नहीं आएगा, यहां से आएगा ब्यूट्रिक एसिड, यहां से आएगा ब्यूट्रिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिटी इज अ मोनेरा. यस सर, चलो ये बैक्टीरिया है मान सकते हैं, बट ब्यूट्रिक एसिड, ओहो अगेन रॉन्ग. तो ये भी गलत है. यहां से क्या आता है एसिटोबैक्टर से, दिस इज गोइंग टू बी द एसिटिक एसिड, यहां आएगा एसिटिक एसिड. अब तो एक ही बचा यार, एस्परजिलस नाइजर, फंगस, साइट्रिक एसिड. आंसर विल बी 4. सब किसी को मजा आया. ओके चलो चलो स्टूडेंट, जल्दी से यार, 100 लोग क्यों नहीं आते हो यार, एक बार कैसा लगेगा आप जस्ट बताओ. मतलब मैं 80 पे आउट हो जाता हूं, 90 पे आउट हो जाता हूं यार. सेंचुरी बनवा के जाया करो सर को, कम से कम 100 लोग आया करो यार. सचिन की सेंचुरी छूट जाती थी कितना खराब लगता था, यहां भी मुझे भी खराब लगता है. ओके ओके, सब ने दिया है सही आंसर, वेरी गुड. तो इसीलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिर हम लोग अलग लोगों का नाम लेंगे, क्योंकि यार हमारे क्लास के बाद फिर दूसरे क्लास होते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्लास होते हैं. हम लोग नहीं चाहते हैं कि क्लासेस ओवरलैप हो. तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ओके चलिए अब इजी क्वेश्चन आएगा.
अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ रहा था, अब एकदम इजी इजी क्वेश्चन आएगा, एकदम गलती नहीं करना है. द बायोगैस गैस कंटेन्स, द बायोगैस कंटेन्स, कम ऑन स्टूडेंट, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया है बट वैसे नहीं दिया है जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है. एनसीईआरटी में दे हैव रिटन समथिंग बट दे हैव नॉट रिटन आई थिंक द परसेंटेज, या लिखा भी होगा कहीं यार, खोज रहे होगा तो मिल भी जाएगा. ओके आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके अरे यार तुम लोग तो बहुत तेज हो यार, तुम लोग बहुत तेज हो, क्या कर रहे हो, यू शुड बी ऑल इन द मेडिकल कॉलेज, तुम लोग सब मेडिकल कॉलेज जाने वाले हो यार, परफेक्ट. अगर तुम अपने से सही सही आंसर बता रहे हो, यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल. ओके मैं तो सोचता था यार आप लोग उतने तेज नहीं हो, अरे सो इंटेलिजेंट पीपल, ग्रेट. द बायोगैस कंटेन्स, द बायोगैस कंटेन्स, सबको पता होना चाहिए दैट स्टूडेंट दिस कंटेन्स मीथेन, और मीथेन होता है 60-70%. बिल्कुल आग लगा दिया, आंसर विल बी 4. This also contains carbon dioxide and this is in how much percentage? So this is in near about 30-40%. And this also consists of H2S, but these are in the traces. तो स्टूडेंट्स दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बायोगैस, तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए, तो आंसर विल बी 4. ओके स्टूडेंट्स ग्रेट, ग्रेट टू सी सो मेनी गुड स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस. ओके नाइस नाइस नाइस, अब यहां पे सारे लोगों ने सही दिया है. चलिए कुछ नाम ले लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं. ओके सर, सर आप मेरा नाम नहीं लेते. अरे शिवानी पांडे क्यों नहीं नाम लेंगे आपका, सोनी कुमारी, अमेज गेमिंग, डॉक्टर रतन कुमार, अनामिका कौशेस, नॉलेज जनरेटर, रितेश शर्मा, पंकज पाल, ऋषिका, तस्मीना नुरैन, प्रिया मित्तल. अरे यार नाम क्यों नहीं लेते, मैं आप सबसे बात करूंगा यार, मैं आप सबसे बात करूंगा. अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस मेरे से पूछने हैं तो यार आप इस ईमेल आईडी पे मेरे को मेल करें, सिटी ऑफ बायोलॉजी, दिस इज माई ईमेल आईडी, सिटी ऑफ बायोलॉजी .pmt@gmail.com. स्टूडेंट आप मेरे को इस पे मेल कर सकते हैं और मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि भाई जरूरत है कि वी शुड टॉक ऑन द फोन, आई विल आस्क फॉर योर नंबर ऑल्सो एंड आई विल टॉक टू यू इन फोन ऑल्सो. बट एक्चुअली क्या है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना कि फोन पे मैं बात नहीं कर सकता, बट अगर आपको सही में जरूरत होगी तो मैं आपसे फोन पे भी बात करूंगा स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू. ओके चलिए चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं. हाय ऋषिका, ऋषिका हाय अरविंद सिंह, ओके ओके चलिए स्टूडेंट. हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलिए ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करना है. ओके तुषार सक्सेना, शिव नंदन भाई एमबीबीएस, ऋषिका ऋषिका, वेदा वंदना, नीलेश सोनार्थी, ओके जिसका भी नाम नहीं लिया यार, मधु किरण, ओके अब मैं हमेशा सही आंसर देता हूं, कौन है यार, अभिषेक कुमार, ओके अभिषेक कुमार, अरविंद सिंह, एक लेक्चर रख लो सर जिसमें केवल नाम लेना, ये भी बहुत अच्छा बात है, एक लेक्चर इसमें भी कर सकते हैं. ओके मधु किरण, ओके ओके मेगा वासने, ओके तृप्ति कुमारी, चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. द स्टैटिन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन एक्टिविटी, फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ मोनास्कस परप्यूरियस, ऑफ मोनास्कस परप्यूरियस. नाउ कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिन्स, स्टैटिन्स का क्या रोल है. तो स्टूडेंट्स सबको पता होना चाहिए दे इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. ये लोग हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, याद रखिएगा. नाउ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को अगर ये इनहिबिट कर रहा है तो कैसे इनहिबिट करता है, तो याद रखिए दीज स्टैटिन्स आर द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, दे आर द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर. ये लोग कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं, किसके कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं, तो दे आर द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ HMG CoA रिडक्टेज. याद रखिएगा स्टूडेंट इस एंजाइम के ये लोग क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, जिस कारण से कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है.
ऐसे पीपल जिनको कि हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके कोरोनरी आर्टरी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो चुका होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्टैटिन्स एडवाइस करते हैं, वो लोग स्टैटिन्स के टैबलेट खाते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस थोड़ा सा कम हो जाए। अब आप मेरे को बताओ कि क्या कोलेस्ट्रॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपके लिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन कि स्टूडेंट कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ओके टेल मी। याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर। याद रखिए कोलेस्ट्रॉल हमारा एक प्रीकर्सर है फॉर ऑल स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। हमारे बॉडी में जितने भी स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं, सारे हॉर्मोन्स का ये प्रीकर्सर होता है। अगर आपके पास ये हॉर्मोन नहीं आएगा, यार स्टेरॉइडल हॉर्मोन, ऑल द सेक्स हॉर्मोन्स आर द स्टेरॉइडल हॉर्मोन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो याद रखिए ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, यस एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल शुड बी नॉट देयर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाइस। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल बता सकते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल? तो नॉर्मल लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल होता है नियर अबाउट 100 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। याद रखिएगा कि ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल है 100 to 150। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्रीकर्सर का मतलब होता है कि इसी से बनता है। अगर तुमको कोई भी चीज बनाना है तो आखिर क्या चीज से बना रहे हो? तो स्टेरॉइडल हार्मोन हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। चलिए हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज हेयर। Come on, this is a very very easy question. The biological treatment of sewage is also known as, the biological treatment of sewage is also known as. Come on students, I am waiting for your answers. I am waiting for your answers. Sir, 3 and 4 option explain kar do. Okay. Please, pehle is question ka answer dijiye. Hame time bhi thoda dekhna padta hai. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैंने कुछ चीज को अगर मिस कर देते हैं, प्लीज मुझे मेल जरूर कीजिए, मैं मेल पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके गुड। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो तुम्हारा सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, ये जो तुम्हारा सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है द प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, दिस इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट। याद रखिए ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं और यहां पर हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट टेक प्लेस इन द फर्स्ट वन। जो सेकेंड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहां पर हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और जो तीसरा होता है, ये होता है केमिकल ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसे बोलते हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी द 3rd वन, दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी दिस। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग यार सीवेज का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में वी ऑल आर पार्टिसिपेटिंग एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो एंड बायोलॉजी ऑल्सो। चलिए स्टूडेंट दैट्स अ ग्रेट वन, दैट इज द ग्रेट वन। ओके कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं यहाँ पे। हेलो, हेयर वी हैव गॉट द डॉक्टर सिद्धार्थ, सोनाली अंसारी सौ, सोनाली जैन, सुशील सिंह, एडुकेशनल न्यूज। ओके सोनाली जैन, अरविंद, वेदा वंदना, शिवानी पांडे, मेगा वासने। ओके और भी लोगों का नाम लेंगे हेयर इन द नेक्स्ट वन। ओके एचडीएल आर गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके बिकॉज एसिड रिमूव्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि समवन इज गुड एंड सम एचडीएल इज गुड एंड एलडीएल इज बैड, नो डाउट अबाउट दैट, बट द मैकेनिज्म इज समथिंग एल्स। चलिए स्टूडेंट्स, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन।
The full potential of penicillin as an effective antibiotic was established by. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस इजी क्वेश्चन का आंसर. टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इजी लाया था ताकि भाई जो लोग भी टफ टफ आंसर देखते देखते थक गए हैं उनका भी कम से कम सही हो जाए, उनका भी कम से कम सही हो जाए स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी हैव गॉट 90 पीपल्स वॉचिंग अस लाइव. चलियो यार जल्दी से कंप्लीट करो. ओके, तो इसका आंसर है चेन एंड फ्लोरे. ओके, द चेन एंड फ्लोरे. याद रखिए स्टूडेंट, नो डाउट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, बट उसका जो फुल पोटेंशियल है उसे स्टडी किया चेन एंड फ्लोरे ने. एंड दैट वाज द रीजन कि तुम्हारा जो फ्लेमिंग है, तुम्हारे जो चेन जी हैं और तुम्हारे जो फ्लोरे जी हैं, इन तीनों को साथ में नोबल प्राइज दिया गया. क्या आप बता सकते हैं किस ईयर में नोबल प्राइज दिया गया? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इन विच ईयर दिस नोबल प्राइज वॉज गिवन? कम ऑन स्टूडेंट, टेल मी फास्ट. इन विच ईयर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, यस सर, 1945. सही आंसर आ चुका है 1945. एंड द आंसर वॉज गिवन बाय रोशनी बर्नवाल, देन वी हैव द तस्मीना, और अब सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बोलता हूं ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, हर चीज पता होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द स्क्रीन रेडी हो जाइए. चलिए, ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी आप बता सकते हो. इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स The secondary treatment involves. In the sewage treatment plants, the secondary treatment involves. Come on students, I am waiting for your answers. Sewage treatment plant में secondary treatment किस चीज को involve करता है? Secondary treatment पढ़ा है? This is a biological treatment. तो देखो, अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया था. कि यार जो ये फिल्ट्रेशन है, ये जो तुम्हारा फिल्ट्रेशन है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये जो क्लोरीनेशन है, ये कहाँ होता है? ये होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट. इसका मतलब यार कम से कम डी तो नहीं हो सकता और ई तो नहीं हो सकता. तो अब हम लोग देख सकते हैं, अगर आपने इसे नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी आप एक्सक्लूजन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यस सर, यहां पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है. द आंसर इज गोइंग टू बी वन नंबर, क्योंकि और सारे ऑप्शंस में या तो डी या तो ई जरूर दिए हुए हैं. तो फिल्ट्रेशन इज इन द वन एंड क्लोरीनेशन. अभी के अभी जैसे क्लास खत्म हो तो आप सीवेज ट्रीटमेंट को जरूर पढ़े, स्टूडेंट्स. ठीक है, यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं. एनसीईआरटी बुक को खोलिए और आज के आज इस टॉपिक को अच्छे से कॉपी अपने किताब से, एनसीईआरटी के बुक से जरूर कवर कीजिए. चलिए स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है, ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन. जो भी लोग यहां पे नए हैं, हर रोज याद रखिए, जो मेरे क्लासेस होते हैं 8:50 से स्टार्ट होते हैं. कभी कभी मैं 5-10 मिनट लेट हो जाता हूं, बट वेट कीजिएगा, 8:50 to 9:30 ये मेरा क्लास का टाइमिंग का स्लॉट है. और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें. टेलीग्राम चैनल का नाम है सिटी ऑफ बायोलॉजी. इसका आप सर्च कीजिएगा सारा कैपिटल में, सिटी ऑफ बायोलॉजी, यू कैन ज्वाइन दिस. अभी जाने का नहीं है, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग चले गए. स्टूडेंट्स, पहले तो यार लाइक बटन दबाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग भी चले गए, एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गए यार. द इंपॉर्टेंट चीज इज हेयर. आजकल हर रोज क्लास के लास्ट में मैं कुछ लेके ले आता हूं आपके लिए, और ये रहा आज का बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट. आपके अंदर आग लगा देगा, इतना आग लगा देगा कि आप अभी के अभी पढ़ने बैठ जाओगे और ये रहा स्टूडेंट, ये आपका आज के लिए द कोटेशन. रिमेंबर स्टूडेंट, द पेन दैट यू फील टूडे, द पेन विच यू आर फीलिंग टूडे
इज द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो. याद रखिए, जितना पेन आज आपको मिल रहा है उतना ही स्ट्रेंथ आप फील करने वाले हैं आने वाले दिनों में. नो डाउट आप लोग जो काम कर रहे हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी. आई नेवर से क्वालिफाइंग द पीएमटी एग्जाम इज इजी, बट द डे व्हेन यू क्वालिफाई इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. याद रखिए, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ना यार स्टूडेंट, इट इज रियली वेरी वेरी वर्थफुल. तो अगेन आई रिपीट, द पेन यू फील टूडे इज द स्ट्रेंथ यू विल फील टूमोरो, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. होप स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छा लगा. कल फिर मिलते हैं सेम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अनाउंस करूंगा. थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ ऑसम सेशन. आप लोग बहुत अच्छे हो यार, इतने ज्यादा नंबर पे आते हो मेरे क्लासेस के दौरान में, मुझे बहुत अच्छा लगता है. गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.